हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नासिर इलेक्ट्रिक टेस्ट में। तो दोस्तों, आज आपके पास फिर से एक सीआरटी टीवी लेके आए हैं जो 14 इंच का है। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब हम इसे लाइन देते हैं तो यहाँ पे जो है पिक्चर जो है इसका आ जाता है, पर यहाँ पर जो है ये ब्लिंकिंग प्रॉब्लम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये ब्लिंकिंग प्रॉब्लम कर रहा है, जो है फ़ोटो जो है आ रहा है जा रहा है। और यहाँ उसमें जब हम सीरीज लाइन में इसे रखते हैं तो यहाँ पे जो है ये ऑफ भी हो जाता है। तो जब इसे डायरेक्ट में रखते हैं तो ये जो है ब्लिंकिंग प्रॉब्लम करते रहता है। तो दोस्तों, आज जो है इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढेंगे कहाँ से ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी लगा लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे बैक साइड आ गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है क्लीन कर लें इसे, ताकि जो है रिपेयर करने में दिक्कत ना दे, हाथ में लगे नहीं, ये जो डस्ट होता है बहुत ख़राब होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बोल्ट चेक करेंगे कहाँ पे कितना वोल्ट है और कहाँ से वोल्ट जो है हमारा ड्रॉप कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर जो है ब्लैक वाला जो मीटर का प्रॉक है, ये हमें ग्राउंड में लगा लेना है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें चेक करना है वोल्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें 110 वोल्ट चेक करना है, तो यहाँ पे हमें 116 वोल्ट बता रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे जो है 25 वोल्ट, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 11.5 वोल्ट, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑडियो के लिए 16 वोल्ट। तो अब यहाँ पे हमें ये जो है 12 वोल्ट के आसपास था, ये वोल्ट हमें चेक करना है। ये जो वोल्ट है हमारा आईसी की ओर जाता है, आईसी इसी पे चलता है, इसी वोल्ट पे। तो इस वोल्ट को हमें कलेक्ट करना है कहाँ से हमारा वोल्टेज ड्रॉप है। तो यहाँ पे दोस्तों वोल्ट जो है 5 वोल्ट आ रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे जो है ये ऑफ हो जा रहा है, तो हम इसे जो है डायरेक्ट में लगा देते हैं। यहाँ पे जो है फ्लेक्सिंग प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट में भी चला सकते हैं, यहाँ पावर सेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा देर लगा के नहीं रखना है डायरेक्ट में, नहीं तो प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हमें चेक करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट कर लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है 5 वोल्ट बता रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे 11 वोल्ट जो यहाँ से आके यहाँ से आता है दोस्तों, नहीं यहाँ पर 12 वोल्ट, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे भी हमारा 11.5 वोल्ट, और उसके बाद यहाँ पे जो है आउट कर रहा है 8 वोल्ट, और यहाँ पे इसका 8 वोल्ट ये ड्राइव हो जाएगा और ये हमारा आउट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो है 8 वोल्ट, और उसके बाद यहाँ पे 5 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा वोल्ट दोस्तों ओके है। और दोस्तों, यहाँ पर मेमोरी आईसी पर हम वोल्ट चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो है हमें चेक करना है 5 वोल्ट, ये भी हमारा ओके है, ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा। और यहाँ पे भी 5.2 वोल्ट, ये भी हमारा ओके है, और ये भी हमारा ओके है। तो दोस्तों, यहाँ मेमोरी आईसी पे वोल्टेज हमारा ओके है। तो चलिए, अब यहाँ पे हम ट्यूनर पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कितना वोल्टेज है और कहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी वोल्टेज हमारा ओके है, और VT ये भी हमारा 1 वोल्ट, ये भी हमारा ओके है। और दोस्तों, यहाँ पर भी 5 वोल्ट, और यहाँ पर भी 5 वोल्ट, यहाँ पे भी 5 वोल्ट, और यहाँ पे 33 वोल्ट, ये भी हमारा ओके है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है वोल्ट चेक करने के बाद सभी जो है वोल्ट हमारा ओके बता रहा है, पर ये जो है ब्लिंकिंग प्रॉब्लम कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम अभी जो है ब्लिंकिंग प्रॉब्लम जो है नहीं है, जब हम इसे आईसी को जो है दोस्तों अभी जो है ये प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, एक बार हम किट को पलट के देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आईसी का जो सोल्डरिंग है ये लगभग में डरा है, जो कभी कभी जो ये ठीक भी हो जाता है। तो चलिए, हम आईसी को जो है पूरा रिसोल्ड कर देंगे, और यहाँ पे जो है रेगुलेटर ट्रांजिस्टर ये भी हमें रिसोल्ड कर देना है, जो यहाँ पे 5 वोल्ट और 8 वोल्ट बना के देता है सभी। यहाँ पे जो है वोल्ट हमें
ओके मिल रहा है, पर यहाँ पे जो है ये सोल्डिंग जो है डरा है, तो ये भी हमें सोल्ड कर देना है अच्छी तरह से। और आईसी का जो है सारा पिन जो हमें सब हमें रिसोल्व करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम रिसोल्व करके देखते हैं कि प्रॉब्लम है या ख़त्म हो गया। तो चलिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए। तो यहाँ पे हम आईसी को रिसोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम आईसी को रिसोल्व करके यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर ये भी रिसोल्व करके उसके बाद हम आई की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम वीडियो को स्किप करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो ये जो प्रॉब्लम था आईसी ड्राई था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है ये जो है कैमरे की वजह से दिख रहा है, पर यहाँ पे जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और उस टाइम जो पहले जो था यहाँ पे जो है ब्लू स्क्रीन जो है बंद हो रहा था, चालू हो रहा था, बंद हो रहा था, चालू हो रहा था, वो प्रॉब्लम था। तो यहाँ पर अब वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्द आए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।